दोस्तों रियलमी ने लॉन्च कर दिया अपना रियलमी 3। तो आज आप इस वीडियो को आगे देखते रहिए और मैं आपको बताऊंगा कि ऐसे कौन से 10 रीजन है कि आपको रियलमी 3 ही परचेज करना है। वैसे इसका प्राइस जो बेस वेरिएंट का जो प्राइस रखा है 332 का, वो रखा है 8999 रुपये। और रियलमी ये क्लेम करता है कि ये स्मार्टफोन 9000 में सबसे बेस्ट है। तो आज हम देखते हैं कैसे बेस्ट है। तो पहला रीजन जो है इसका वो है इसका सबसे हाईलाइट इसका प्रोसेसर। यहाँ आपको मिल रहा है हीलियो का P70 AI प्रोसेसर जो कि काफ़ी अच्छा है। 12 नैनोमीटर पे ये प्रोसेसर बना है और मतलब स्नैपड्रैगन के 660 को ये कंप्लीट करता है, मतलब टक्कर देता है। यहाँ मैं इसका अंतुतु स्कोर और बाकी फीचर आपको बता रहा हूँ, आप देख सकते हो यहाँ पे स्क्रीन पे। तो मतलब इतना कुछ है इस प्रोसेसर में और ये गेमिंग के लिए काफ़ी अच्छा प्रोसेसर। मतलब अगर आपको गेमिंग के लिए 10000 से नीचे कोई स्मार्टफोन लेना है तो मैं सीधा रेकमेंड आपको इसको कर सकता हूँ। सेकेंड रीज़न इसका वो है इसका बैटरी। इसमें आपको मिल जाती है 4230 mAh की एक बड़ी बैटरी। यहाँ आपको टाइप सी देखने को नहीं मिलता है, बट फिर भी आप 4230 mAh की जो बैटरी है वो काफ़ी अच्छी है। तीसरा रीज़न अगर हम यहाँ पे बात करें तो वो है इसका ट्रिपल स्लॉट। यहाँ आपको मिलेगा ट्रिपल स्लॉट, 2 सिम कार्ड 1 मेमोरी कार्ड, मतलब 2 सिम कार्ड डाल सकते हो, साथ में 1 मेमोरी कार्ड भी घुसेड़ सकते हो। यहाँ आपको ड्यूअल वोल्टी का भी सपोर्ट मिल जाता है। तो मतलब अगर आप 2 जियो की सिम या 4G सिम जो भी लगाना चाहो मतलब लगा सकते हो, ऐसा नहीं है कि यार एक 4G एक 2G, वो यहाँ पे आपको इशू देखने को नहीं मिलेगा। थर्ड रीज़न में इसका अगर बताऊँ तो यहाँ आपको under 9K मतलब 9000K आपको ग्रेडियंट यूनिबॉडी मिल रही है, मतलब डिज़ाइन जो है इसका वो काफ़ी अच्छा मिल रहा है। इतना अच्छा डिज़ाइन अगर आपको 9000 मिल रहा है तो फिर तो बल्ले 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 बल्ले। उसके बाद अगर पांचों रीज़न अगर यहाँ पे बात करते हैं तो वो है इसका बैक कैमरा। बैक कैमरा यहाँ पे आपको मिल जाता है 13+2 MP का। यहाँ पे आप बोलोगे भाई ये रीज़न क्यों है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे जो अपर्चर जो दिया गया है वो है f/1.8 का। तो मतलब मैंने आपको बताया था कि जितना कम अपर्चर होता है उतनी अच्छी आपकी इमेज क्वालिटी आती है। अगर आपको 9000 में f/1.8 का अपर्चर मिल रहा तो काफ़ी अच्छी बात है। साथ में आपको 2 MP का ब्लर के लिए डेप्थ सेंसर भी मिल रहा है, तो फिर और भी बल्ले बल्ले हो जाएगी आपकी जो ब्लर वाली जो पिक आएगी वो काफ़ी अच्छी आएगी। वो मैं आपको एक 2 सैंपल बता रहा हूँ, वो आप देख सकते हो, गौर कर सकते हो और फिर निष्कर्ष निकाल सकते हो। उसके बाद अगर छठे रीज़न की हम यहाँ पे बात करते हैं तो वो है इसका फ्रंट कैमरा। यहाँ पे आपको under 9K 13 MP का फ्रंट कैमरा देखने को मिल रहा है जो कि काफ़ी अच्छा है, अच्छा ही बोल सकते हैं यार। अगर आपको 13 MP का कैमरा मिल रहा है तो काफ़ी अच्छा होगा। और वैसे तो बाकी कंपनियां तो आपको 8 का कैमरा देती है, बट यहाँ आपको रियलमी 13 MP का दे रहा है, तो इसमें भी बल्ले बल्ले होगी। उसके बाद और क्या बचा, यहाँ पे आपको जो 7वां रीज़न जो मैं आपको बता रहा हूँ वो है इसका सॉफ्टवेयर। यहाँ पे आपको मिलता है ColorOS 6। पहले जो ColorOS 5.2 जो था उसमें काफ़ी सारे बग्स आते थे, बट अब जो ColorOS 6 जो है वो काफ़ी ऑप्टिमाइज हो गया है। ये रियलमी वाले बोलते हैं कि इसमें मतलब काफ़ी नए फीचर आए हैं। अगर आप ColorOS 6 की फ़ीचर की वीडियो देखना चाहते हो वो आप YouTube पे जाके देख सकते हो, काफ़ी नया है और इसमें काफ़ी। एट रीजन की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे आपको मिल जाता है नॉलेज बूस्टिंग गूगल लेंस। उसके बाद अगर 9th रीज़न की मैं यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पे आपको बहुत सारे फीचर मिल जाते हैं इस प्राइस सेगमेंट में जो कि बाकी ब्रांड आपको नहीं दे रहे। और 10th रीज़न इसका है ड्यू ड्रॉप नॉट डिस्प्ले।